अगर तुम लोग अभी तक गोजो सेंसे की मौत के दुख से नहीं उभरे हो और तुम वन पीस के फैन हो तो तुम्हारे लिए शायद आज का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1093 बिना किसी ब्रेक के तुम्हारे सामने आ रखा है। पिछले कई हफ्तों से इतने ब्रेक्स आ रहे थे कि पुरानी खुशी हमारे पास वापस आएगी या नहीं, लेकिन फाइनली चैप्टर नंबर 1093 आ चुका है। जखंग में थोड़ा सा मरहम लगाने के लिए जितने भी लोग गोजो सेंसे को लेके परेशान थे, आई थिंक वो लोग अब थोड़ा सा अपना मूड चिल कर सकते हैं। और ये चैप्टर कितना अमेजिंग है इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ईयर 5 ने तो इवन एक एडमिरल तक की बुद्धि खराब करके रख दी है, और जोरो की जो बेइज्जती की है भाई लुची ने, देखकर तो ऐसा लगता है कि जोरो अब उसको पूरा पूरा आधा आधा काट देगा। खैर, अगर तुम लोग को भी जानना है कि ऐसा क्या किया है लुची ने कि वो अब मरने के लिए, मतलब उसने डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो वीडियो को एंड से जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए जोरो इस चैप्टर में एनमा यूज करने वाला है, इस चैप्टर में जोरो शॉर्ट्स भी यूज करने वाला है। ऐसे जोरो की एनमा का तो नहीं पता, बट अगर तुम एक वन पीस फैन हो तो मुझे लगता तुम्हारे पास ऐसी एक एनमा होनी चाहिए जिसको तुम निकाल ले कभी भी ऐसे डेकोरेटिव प्रोडक्ट। मेरे को तो बहुत सही लगता है, तो मेरा प्लान है कि इधर किधर सेटअप में लगा दें। और तुम लोग मेरे को बताओ इसको किधर लगा सकते हैं, भी बताओ इसको लगाऊं किधर, इधर लगाऊं या फिर इधर बीच में से लटका दूं। बाय द वे ये शॉर्ट बहुत मस्त क्वालिटी का, अगर तुम लोग को भी ये शॉर्ट खरीद के जोरो की तरह बनना है तुम लोग चेकआउट कर सकते हो बंकाई वर्ल्ड को। बंकाई वर्ल्ड एक इंडियन एनिमे मर्चेंडाइज ब्रांड है जिनके पास कलेक्शन है बहुत सारे फिगरीन्स का, रिंग्स का एंड एनिमे मर्चेंडाइज का। तो अगर तुम लोग को लेना उधर उनके पास एओटी भी है, वन पीस भी है, और शॉर्ट के भी उनके पास दो ऑप्शन है, तुम या तो शूशुई या तो एनिमा खरीद सकते हो, दोनों की प्राइसिंग भी सेम है। उनके पास लॉकेट्स, पेंडेंट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है, तो जो कुछ भी तुम्हें पसंद आ रहा है तुम उनके साइड से ले सकते हो। और तुम्हारा भाई बिना तुम्हारे प्रॉफिट के आता नहीं है, तो अगर तुम लोग को डिस्काउंट चाहिए तुम लोग सुपर 10 यूज कर सकते हो, इस कोड से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम 500 रुपए से ऊपर कुछ भी परचेज करते हो। तो गो एड एंड चेक आउट bankaiworld.com। जैसे पर्टिकुलरली इस शॉर्ट की बात करूं तो इस शॉर्ट पे डिटेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखा गया है, और भाई ये शॉर्ट बिल्कुल फुल साइज है, जितना वन पीस में जोरो कैरी करता है ठीक उसी साइज का है। इसके ऊपर सारे वो साइंस भी बने हुए हैं, सारा पैटर्न भी बना हुआ जो कि एनमा के पास होता है। अब बस वेट इसी बात का कि हम में से कोई इस पे अपनी हाकी इन्फ्यूज करे और इसको यूज कर पाए। बाय द वे सेफ्टी पर्पस के लिए अगर आप वरीड हो तो भाई ये वुडन का शॉर्ट है, असली शॉर्ट नहीं है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको यूज भी करते हो तो। गो एड एंड चेक देम आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 1093। इस चैप्टर का टाइटल इतना स्ट्रेट है कि उतना स्ट्रेट तो मैं भी नहीं हूँ। मतलब चैप्टर का टाइटल लूफी वर्सेस किजारू, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड की इसमें पूरे चैप्टर में लूफी वर्सेस किजारू की फाइट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें देखने को मिली भी और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है सच में। इसके बाद लाइव एक्शन को देखने के बाद इस चैप्टर का जो कवर पेज है वो देख के थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील हुआ, क्योंकि इसमें हेलमेप्पो और को भी देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली हेलमेप्पो का नॉस्टैल्जिया याद आ रहा है लाइव एक्शन वाला, यू नो द सीन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये दोनों है और दो भालू टाइप के कैपिबारा आई थिंक ये दोनों है, और वो दोनों इनका चश्मा लेके भाग गए, तो ये लोग उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर तो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि लूफी अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद हमें रोबोट देखने को मिलेगा कि आखिर एंशिएंट रोबोट क्यों अवेकन हो गया, बट शायद उसके बारे में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। एंड ये ओडा सेंसे की एक बहुत पुरानी आदत है, एक चीज वो इंट्रोड्यूस करते फिर उसके बारे में कंप्लीटली कोई मेंशन नहीं है अगले चैप्टर में, तो अब शायद उसके लिए भी 5-6 चैप्टर वेट करना पड़ेगा। चैप्टर का सबसे पहला पैनल इतना ज्यादा भयंकर है कि देख के तुरंत पूरी पूरी मांगा पढ़ने का मन कर रहा है, जहां पर लूफी अपने फॉर्म में किजारू को ऐसे ऐसे पकड़ लिया है, और इस पोजीशन में किजारू खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा। इसके बाद लूफी किजारू को पकड़ के गोल गोल घुमा के जाके दूर फेंक देता है। नौ ये स्टार्टिंग के 3-4 पैनल देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि लूफी ने लाइट को ग्रैब कर लिया, जिस तरह से उसने लाइटनिंग को ग्रैब किया था जब वो काइडो से फाइट कर रहा था। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड हाकी। इस हाकी का यूज करके वो लॉजिया टाइप लोगों को पकड़ सकता है, ये हमें ऑलरेडी बताया जा चुका है। एंड बेसिकली गियर 5 में वो अपने हाकी को कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूज कर पाता है, द टर्म कि वो बहुत ही फ्रीडम के साथ यूज कर पाता है। एंड इसी वजह से किजारू के लॉज या टेंजिबिलिटी की जो एबिलिटी है वो इस समय काम नहीं कर पा रही है। अब लूफी ने किजारू को इतने दूर फेंक दिया कि बाकी सभी लोग वहां पर खड़े हुए यही सोच रहे हैं कि अब उनको इस मौके का तुरंत फायदा उठा लेना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि लूफी किजारू को देख ही रहा है। लेकिन फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि एटलस कहीं और जा रही है, तो चॉपर उससे पूछता है कि बहन तुम कहां जा रही हो, तो वो बताती है कि मुझे कुछ भी करके नीचे जाना पड़ेगा और पैसिफिस्टास को ओवरराइड करना पड़ेगा, वरना हम यहां से नहीं भाग पाएंगे। इतने सारे पैसिफिस्टास और उनके लेजर बीम से हम
सभी का कीमा बन जाएगा। इसके बाद वेगापंक की बातें सुनकर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हम कितना वन डायमेंशनली चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर वेगापंक सीधा सीधा बोलता है कि जो बंदा पैसिफिस्टास के कंट्रोल में होगा वही इस फाइट को जीतेगा, ना कि वो बंदा जो एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। एंड दैट इज द ओनली थिंग जो तुम लोग को मरीन फोर्ड में भी याद रखना चाहिए कि वहां पर कैसे व्हाइट बियर्ड सबसे पावरफुल आदमी थे बट सिचुएशन उनको फेवर नहीं कर रही थी। एंड वो एक चीज है जो कि तुम्हें वन पीस में थ्रू आउट द सीरीज देखने को मिलेगी। खैर यहाँ पर पैसिफिस्टास का कंट्रोल में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इतने ज्यादा हैं और प्लस मरीन्स भी इतने ज्यादा हैं। जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे साइड से जो लोग थे वो लोग भी जाके उधर मिल गए तो ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्लस अगर तुम भागने वाले पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे कि कैसे लूफी और उनकी क्रू इस आइलैंड से बच के निकल सकती है, जस्ट इमेजिन इतने सारे पैसिफिस्टास जो कि बैरिकेडिंग करके खड़े हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि हर कोई उतने लेवल का पावर अप नहीं रखता है। अभी एटलस यहाँ पर डिसाइड कर ही रही होती है कि तब तक वेगापंक बुढ़ऊ भी चिल्ला कर बोलता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पे एटलस बोलती है भाई बुढ़ऊ सटिया गए हो क्या, तुमको जिंदा रखने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। इतने पे वेगापंक तुरंत फ्रांकी को कॉल लगाता है और बोलता है कि लगता है बोनी भी उधर नीचे गिर गई है। जिस पर फ्रांकी बोलता है हाँ अपने मुंह के बल वो जाके सीधे सीधे लेजर पर लड़ी है और वहां से वो बच कर नीचे गिर गई है। इस पे वेगापंक बोलता है तुम क्या वहां पे गांड मरा रहे थे, अगर तुम्हारे होते हुए एक छोटी बच्ची को इतना ज्यादा चोट कैसे लग गया। फ्रांकी बोलता दादी मेरे को माफ कर दो मैं जा रहा हूँ लड़की को बचाने, लेकिन लड़की की बात है तो सांजी कैसे ना कॉल करे। तो तुरंत कॉन्फ्रेंस कॉल पे सांजी भी आ जाता और बोलता सुन बे वेगापंक इस मिशन पे मैं भी जा रहा हूँ। इधर अपने मछली जिम्बे पिछले चैप्टर में इश्क लड़ा रहे थे दूसरी मछलियों से कवर पेज में, बट यहाँ पे वो एक्चुअली मैगेड आइलैंड पर दिख रहा है। यहाँ पर वो बोलता है कि वेगापंक आपने जो कुछ मेरे से मांगा था मैंने वो सब कुछ तैयार रखा है और जल्दी से अपना अपना काम खत्म करो, सब लोग यहीं पर मिलेंगे। यार उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं एकदम बॉटम वाले लेवल पे जहाँ पर इस समय सारे के सारे मरीन्स चढ़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर ऑलरेडी उन सबकी फटके रखी हुई क्योंकि वहां पर बोनी प्रेजेंट है और मरीन्स यहाँ पर बाकी के मरीन्स को रुकने के लिए बोल रहे हैं कि भाई आगे मत बढ़ो वरना वो लड़की तुम सभी को बच्चा बना देगी या फिर बूढ़ा बना देगी। और अगले पैनल में देख सकते हैं कि कुछ मरीन्स को उसने बूढ़ा बना दिया बिल्कुल और कुछ मरीन्स को बिल्कुल ही बच्चा। खैर बोनी यहाँ पर अकेले नहीं है, उसकी हेल्प करने के लिए एक और कैरेक्टर आ रहा है। जैसा तुम जानते हो वन पीस में जल्दी कोई मरता नहीं है, पता नहीं कैसे लोग इमेजिनेशन बना लेते हैं कि ये बंदा मर गया वो बंदा मर गया। तो भाई अब सेंटो मारू यहाँ पर हेल्प करने आ रहा है बोनी की, जैसा कि हम लोग को पता ही था कि किजारू के एक हिट से वो मरने वाला नहीं है। सेंटो मारू इस समय अपने अधमरे हालत में वहां पर किसी भी तरह आने की कोशिश करता ताकि वो बोनी को हेल्प कर पाए। इवन सेंटो मारू का ये वाला पैनल मेरे को बोनक्ले की याद दिखाता है, जिस तरह से सेंटो मारू यहाँ पर खड़ा है ना ठीक उसी तरह से बोनक्ले भी बोल रहा था लूफी से कि मुगी चांद तुम जाओ अपने भाई को बचाओ मैं यहाँ पर चीजों को होल्ड कर लूंगा। यार अगला पहल वापस से लैब की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ ऊपर आसमान से लूफी चिल्लाते हुए बोल रहा है ओए जोरो तेरे को हेल्प चाहिए क्या। इस पे जोरो बोलता है कि देख मेरे को तेरी हेल्प नहीं चाहिए, तू चुपचाप बैठ के किजारू को देख, एक चूतिये से मैं ऑलरेडी फाइट करने में बिजी हूँ। और अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि आखिर जोरो किस चूतियों को पीटने की कोशिश कर रहा है, दैट इज रॉब लुची जो कि अपने अवेकेंड फॉर्म में जोरो से फाइट कर रहा है। और जोरो यहाँ पर खुला टॉन्ट मारता है कि अगर ये बेस्ट है जो ये बंदा ये बिल्ली कर सकती है ना तो इसको किसी भी हालत में मैं अपने कैप्टन के पास नहीं जाने दूंगा। एंड भाई जन्मा से जोरो काट ही देगा। अरे जोरो भैया सीधे सीधे सर्वे कॉप्स की तरह मारोगे क्या अभी। ऑल दो अटैक ऑन टाइटन तो अब खत्म ही होने वाला है लेकिन कभी भी कैप्टन लीवाई की पहचान नहीं जाने वाली। सर्वे कॉप्स का भी लॉकेट कुछ कैटेगरी में आता, तो अगर तुम लोग को भी हर समय याद रखना है कि एओटी करके भी एक एनिमे एग्जिस्ट करता था तो ऐसा एक लॉकेट तुम्हारे पास तो होना ही चाहिए। पर शायद जोरो ये भूल गया था कि बिल्ली भी पंजा मार सकती है, तो इस बार लुच्ची सीधे सीधे जोरो के मुंह पर बोलता है कि ठीक है फिर मैं नंबर टू का ही गला काट देता हूँ, दिक्कत क्या है, अगर मैं तेरे को मार सकता हूँ तेरे को ही मार डालूंगा। एंड दैट वाज एक्चुअली में एक ऐसी बेइज्जती जो कि उसने जोरो को सीधे मुंह पे दे दिया, जिससे काइंड ऑफ ये साबित होता है कि तुम चुपचाप शांति से एक्सेप्ट कर लो जो सामने वाला बोल रहा है उसकी भी बेइज्जती तुम कर सकते हो बिना फालतू आर्ग्यूमेंट के। अरे यार जोरो भाई क्या है यार क्या है भैया। फिर एज ऑलवेज किजारू एकदम अपने लेजी स्टाइल में बोल रहा है कि लगता है इस तरह से तो हम पानी में गिर जाएंगे, लेकिन इससे पहले किजारू पानी में गिरे उसने तुरंत यासाकानी नो मागाटामा यानी कि अपने बॉडी के अलग अलग छोटे छोटे लाइट के पार्ट्स बनाकर खुद को वेगापंक के आइलैंड की तरफ प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। लाइट स्पीड से इस समय किजारू लूफी की तरफ बढ़ते जा रहा है और ठीक जैसे ही उसके लाइट के बड़े बड़े जो बॉल्स है जो गोले हैं वो लूफी के सामने आते हैं तुरंत वो सारे के सारे गोले किजारू के शैडो क्लोन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। देखकर तो ऐसा लगता है कि लूफी मानो इटाची के गेंजुत्सु में फंसा हुआ है। मेरे को लूफी का तो नहीं पता लेकिन अगर तुम लोग को भी अपना गेंजुत्सु लॉन्च करना है और इटाची बनना है तो तुम लोग ये रिंग बंकाई वर्ल्ड से खरीद सकते हो। खैर इतने सारे क्लोन्स देख के लूफी की भी फट जाती है और ठीक उसके सामने किजारू भी अपना लाइट वाला सॉर्ड बनाता है यानी कि यासाकानी नो सुरुगी।
थी। अभी इस शॉट से लूफी को इतने जोर से वो स्लैश करता है कि लूफी को एक्चुअली में गियर 5 में भी एक कट आ जाता है। इसके बाद इतने सारे क्लोन्स है जो कि लूफी को इतना ज्यादा परेशान करने कि लूफी वहां से लिटरली भागने लगता है गियर 5 में। तुम जानते हो यार गियर 5 में वो कितना इधर उधर भागता रहता है, लेकिन भागने के पीछे उसका मस्त प्लान था। उसको पता था सारे के सारे क्लोन्स उसके पीछे पीछे जाते रहेंगे, इसका यूज करके वो एक ही बार में उन सबको खत्म कर देगा। और यही उसने किया भी। बूमिंग डॉन स्ट्रैप इस मूव में उसने अपने पैर को इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया और एक ही साथ किजारू के सारे क्लोन्स को खत्म कर दिया। अभी ऑल्दो लूफी खुश हो रहा था, लेकिन सबको पता है शैडो क्लोन्स किस लिए होते हैं, चूतिया बनाने के लिए ऑब्वियसली। तो अभी लूफी इन क्लोन से फाइट कर रहा था कि तब तक जो अपना असली किजारू है वो सीधे सीधे वेगापंक के साइड में पहुंच गया है। और अगला सीन तो देख के इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि इस बार किजारू ने फिर से गॉड उसोप को ऐसे गला पकड़ के उठा लिया है, लेकिन एक्चुअल में वेगापंक वहां पर नहीं है। वो ऑलरेडी एक छोटे से गाड़ी में बैठ के वहां से निकल चुका है ताकि वो जाके बोनी को बचा पाए। और सांजी भी ऊपर से लटकते हुए जा रहा है। देखो सीधी सीधी बात है, वेगापंक बहुत ज्यादा अटैच्ड है कुमा के साथ, उसने ही उसको मॉडिफाई किया है। और वेगापंक इतना कमीना मेरे को नहीं लग रहा है कि बिना उसके परमिशन के वो ऐसा कुछ करेगा, एंड इसीलिए बोनी की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले रहा है कि जब तक वो जिंदा है वो किसी भी हालत में बोनी को प्रोटेक्ट करेगा। इधर लूफी ऑलरेडी ऊपर फंसा हुआ और चिल्लाकर बोलता है कि सेव वाले बुढ़ऊ प्लीज नीचे मत जाओ नहीं तो तुम मरे जाओगे। और ठीक अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि किजारू लिटरली उनके ऊपर लेजर बीम से अटैक करने वाला है, लेकिन अब क्या करे, वेगापंक चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकता। तो जब तक किजारू खुद को प्रिपेयर कर रहा था अटैक करने के लिए, तब तक लूफी लिटरली उनके सामने ही आ गया ताकि वो उसको बचा पाए। और उसने वेगापंक का अटैक सामने से खाया है, मतलब पूरा का पूरा लेजर बीम उसके गियर 5 वाले बॉडी पे आके लग गया है। इसका तुम्हें पता है कि उसको कुछ होगा नहीं, बेसिकली ड्रम्स ऑफ लिबरेशन वापस एक्टिवेट करके या फिर जो कि गियर 5 की सॉरी जो कि जोआन की अवेकनिंग होती है जिसके वजह से वो वापस खुद को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ये चीज तुरंत ही सारे के सारे मरीज को इन्फॉर्म कर दी जाती है कि वेगापंक नीचे की तरफ आ रहा है, उसको धर लो। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ करें, एटलस तुरंत ओवरराइड कमांड दे देती है कि अटेंशन टू ऑल पैसिफिस्टर्स, दिस इज एन ओवरराइड कमांड, जितने भी मरीन्स हैं सबकी फाड़ के रख दो। और भाई इसी कमांड के साथ सैटर्न अपना मुंह बना लेता है क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है ये सब देख के। और लास्ट लाइन आर टाइड्स अबाउट टू टर्न के साथ चैप्टर नंबर 1093 खत्म। अभी मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं, और मुझे दो ही तीन चीजें बतानी है, जिसमें सबसे पहली चीज है कि अगले हफ्ते चैप्टर ब्रेक पे है, जो कि एक बहुत ही सैड बात है। मेरे को लग रहा था 3 चैप्टर लगातार लाइन में आएंगे, और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है, सबको लग रहा है कि शायद अगले चैप्टर में सैटर्न खुद ही कदम रख देगा कि वो लूफी वगैरह से फाइट करने जाए। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, लूफी और जोरो इस समय दोनों ऑक्युपाइड हैं, जोरो की तो मस्त बेइज्जती हो रखी है भाई। और एक चीज मुझे तुम लोगों से पूछनी है, पिछले वीडियो में मैंने दूसरा लेंस यूज किया था, इस वीडियो में वापस से पहला वाला लेंस यूज कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ ये वाला बढ़िया है या वो वाला बढ़िया है। वो वाला बेसिकली बहुत ज्यादा जूम होकर दिखेगा, बट मेरे को बताओ तुम लोग कैसा। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन वगैरह में दिख जाएगा, होगा तो उसको देख के मेरे को तुरंत कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर तुम लोग को भी थोड़े से एनिमे मर्चेंडाइज लेने हैं जो कि एक्चुअली में वर्थ इट हो, तो जाके बंकाई वर्ल्ड्स को चेकआउट कर सकते हो, काफी मस्त माल भेजा उन्होंने, काफी ज्यादा सपोर्टिव आदमी भी है वो, तो जाके तुम उनके वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। तुम लोग कोड सुपर 10 का यूज कर सकते हो, तुम्हें 10% का मोटा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर तुम 500 रुपए से ऊपर का कुछ भी ऑर्डर करते हो। और तुमको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से फटाफट परचेज कर सकते हो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, जोरो की शॉर्ट चलाते चलाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और ज्वाइन बटन भी यूज कर लो। मैंने उल्टे हाथ में एंड में पकड़ी है, इस हाथ में पकड़ता मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। और मैं बस शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ कैसे निकालते हैं कैसे रखते हैं। क्या सब्सक्राइब द चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्ले।